हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का हम चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स कर लिए थे। आज हम इसका 5th पार्ट डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है इवेल्युएट 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो ध्यान से देखिए हम इसे कैसे करेंगे। थोड़े दिन मैं आपको इसी तरह से पढ़ाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए बोर्ड पे क्लास नहीं हो पा रही। तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यूज यूज करेंगे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको मैंने पिछली वीडियोस में कराया है, जिसने वो नहीं देखा पहले वो देख लीजिए। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आ जाएगा 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वेयर है तो स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, उसका स्क्वेयर है तो स्क्वेयर, माइनस टेन 45, टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और उसका स्क्वेयर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वेयर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर आ जाएगा साथ में, प्लस कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका भी स्क्वेयर है इसलिए क्या आ जाएगा, स्क्वेयर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन वैल्यूज को जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए आ जाएगा 5, 1 का जब हम स्क्वेयर करेंगे मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, अपॉन 2 का स्क्वेयर करेंगे तो 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अपॉन √3 का जब स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 3, माइनस 1 का स्क्वेयर 1 अपॉन 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, प्लस √3 का स्क्वेयर करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा, अपॉन 2 का स्क्वेयर करेंगे तो 4, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया सेकंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम इसको फिर और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 इंटू 1 कितना हो गया 5 अपॉन 4, प्लस 4 इंटू 4 16 अपॉन 3, माइनस 1 अपॉन, देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो नीचे आ गया 4 और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 3, ये आ गया हमारे पास, विच इज इक्वल टू, अब इसको हम न्यूमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, 16 इंटू 4 कितना हो गया 64 अपॉन 4 इंटू 3 12, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 इज 4 अपॉन 4, 1 प्लस 3 4 हो गया अपॉन 4 आ गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू 64 में जब 15 प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 79 अपॉन 12, माइनस 1 अपॉन, ये 4 और 4 कैंसिल हो गए तो क्या इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास 1, इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 79 माइनस 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा 12 अपॉन 12, अपॉन 1 की लिखने की जरूरत नहीं है, 79 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 67 अपॉन 12, ये हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, आपको ये क्वेश्चन दिया है, आपने इसमें सभी वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यू आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से मिलेंगी, ये आपको अच्छे से आना चाहिए टेबल, इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना है, आपका आंसर आ जाएगा 67/12। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मल्टीपल चॉइस है, वो आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं आपको इसमें करवाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड a एंड b, हमें a और b की जो है वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वी हैव, हमें क्या दिया है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया है। अब इसको ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन 10 में दिया है इसलिए आपने टेबल में चेक करना है कि 10 की वैल्यू √3 कब होती है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 10 की वैल्यू जो √3 है वो कब होती है, 60 डिग्री पे होती है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ये tan और tan दोनों तरफ से कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बच गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से देखिए ये tan और tan दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ऑल्सो हमें हमारे पास एक चीज और दी है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया हमें, 1/√3, ठीक है।
ये आ जाएगा टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब हमें देखना है टेबल में ही कि टेन की वैल्यू 1/√3 कब होती है। जिन बच्चों ने टेबल पढ़ा है उनको पता होगा, ये आ जाएगी टेन थर्टी, टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3। फिर से टेन और टेन दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड मतलब एक को एलिमिनेट कर देते हैं, एक कांस्टेंट को खत्म करके। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60, और सेकंड इक्वेशन थी ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। हमारे पास ये दो इक्वेशन थी। देखिए, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं बाय एडिंग, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो जब हम ए में ए प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, और b में से जब b ऐड करेंगे मीन्स b माइनस बी है तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको कैंसिल हो जाएगा, वो इज इक्वल टू 60 में 30 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 90। फिर से देख लीजिए, a प्लस ए कितना हो गया 2a, ये एक प्लस का b और माइनस का b क्या हो गया कैंसिल, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90। यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, 2 मल्टीप्लाई यहां क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 90 अपॉन 2 कितना होता है 45, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 45। हमें a और b की दोनों वैल्यूज पूछी थी, b की वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन में, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में किसी एक में पुट कर देंगे। चलिए हम फर्स्ट में पुट करते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास थी a प्लस बी इज इक्वल टू 60, यही थी, a की जगह आ गया 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, बिकॉज a की वैल्यू 45 में वैल्यू लगा दी, यहां से b की वैल्यू क्या जाएगी 60, ये प्लस 45 यहां के क्या हो जाएगा माइनस 45, तो b की वैल्यू क्या जाएगी 60 में से 45 जाएंगे तो 15, तो देयरफोर हमारा आंसर क्या आ गया, देयरफोर a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15। ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको फिर से ही एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके बाद एक बात और मैं बता दूं आपको, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो फिर से आपके लिए खुद ही आपने ट्राई करना है, वो भी ट्रू और फॉल्स है, वो भी आप लोग खुद भी कर सकते हो इजिली टेबल को सामने रख के। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है इस एक्सरसाइज के लिए बहुत जरूरी है, इस एक्सरसाइज में करने वाले मेन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आपको 6 मार्क्स का आना ही आना है, बाकी आप जो ट्रू फॉल्स वगैरह हैं वो भी साथ में कर लेने हैं, 1 मार्क के लिए वो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, उनके ऊपर होगी कि साइन 90-A, कॉस 90-A क्या होते हैं, वो भी वीडियो जल्दी ही आएगी। आई होप आपको ऐसे समझ आया होगा, थोड़ी बोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए वहां नहीं करवा रहा, जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारी जो है आगे वाली वीडियोस के बाद जो है बोर्ड पे ही आएंगी, तब तक आप थोड़ा मैनेज करिए, इसी तरह से आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई 45 और बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15 आ गई। थैंक यू।